राजधानी रांची के पुराना विधानसभा मैदान में पूजा पंडाल बनाने को लेकर के दरअसल विवाद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से पंडाल निर्माण को रोके जाने का आदेश दिया गया। प्रशासन की तरफ से कहना था कि इसको लेकर के पूजा समिति की तरफ से आदेश नहीं लिया गया। आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर यहाँ पर पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। आपको बता दें आदेश से अधिक जो है पंडाल का निर्माण करा लिया गया है। मूर्ति का भी निर्माण जो है लगभग वो पूरा हो चुका है, जो प्रतिमा का निर्माण है। इसके बाद जिस तरीके से प्रशासन ने यहाँ पर आदेश दिया कि निर्माण कार्य को बंद कराना है, जिसके बाद तमाम जो यहां पर है मामला जो है पूरा बढ़ता गया और राजनीतिक जो है ये रंग लेता जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें रांची के सांसद सह केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ निर्माण स्थल पर पहुंचे, साथ ही कहा कि किसी भी कीमत पर पंडाल निर्माण नहीं रुकेगा, पूजा धूमधाम से मनाई जाएगी। और पूरे बवाल के बीच हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं मुर्शीद ग्राउंड जीरो से। मुर्शीद, जिस तरीके से प्रशासन के तरफ से पहले आदेश दिया गया कि निर्माण कार्य को रोका जाए, जिसके बाद रक्षा राज्य मंत्री जो है वो पहुंचे हुए थे, साफ तौर पर उन्होंने साफ कह दिया कि पूजा जो है किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी, पंडाल का निर्माण कराया जाएगा। जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से हवाला दिया गया कि यहाँ पर आदेश नहीं लिया गया, लेकिन जिस तरीके से समिति के सदस्यों का कहना था कि गणेश पूजा में भी कई पंडाल बनाए जाते हैं, क्या सबका यहाँ पर परमिशन लिया जाता है, कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है। देखिए अनिकेत, आपको मैं बताना चाहूंगा कि 12 तारीख का ये मामला है। देर रात जो है जगन्नाथपुर थाना प्रभारी यहाँ पर पहुंचने के बाद जो है जो निर्माण मंदिर के हो रहे हैं उनको रुकवाया जाता है। उसके बाद जो है पूजा समिति को लोग संपर्क करते हैं, उसके बाद संपर्क करने के बाद जो है तमाम लोगों को सूचना मिलती है। सूचना मिलने के बाद जो है स्थानीय लोग या पूजा समिति के लोग यहाँ पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जो है विरोध प्रदर्शन किया जाता है। उसके बाद विरोध प्रदर्शन के तहत जो यहाँ पर जो आज जो है संजय सेठ पहुंचे थे। संजय सेठ ने कहा है कि कितनों भी ये जिला प्रशासन की ओर से या राज्य सरकार की ओर से कुछ भी हो, हम लोग मंदिर बना कर आएंगे, यहाँ पूजा जो है पूजा का निर्माण किया जाएगा। हमारे साथ कुछ महिला उनसे जाने की कोशिश करेंगे। क्या मामला हम लोग हर जगह से पंडाल पूजा करते हैं, ठीक है? तो कॉमन क्या बात है, हिंदुस्तान है, हिंदुओं का धर्म है, अपना सनातनी धर्म में रोकने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो अभी हम लोग धर्मी मैदान में जब हमारे जो अध्यक्ष जी हैं और बाकी लोग जो हैं उन्होंने पैसा जमा करके अरबू मैदान में पहले पूजा करने की कोशिश की, वहाँ रोका गया। वहाँ कहा गया कि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक चलते प्रॉब्लम होगा। तो हम लोगों ने जनता की सुविधा के लिए हम लोग थोड़ा एचीसी गड़बड़ा यहाँ पे आए हैं, तो खाली जगह पार्किंग का भी जगह है और यहाँ के एचीसी के जितने लोग हैं वो आराम से यहाँ पूजा देख के और आराम से निकल जाएंगे। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं यहाँ पे आके यहाँ के जितने भी लेबर काम कर रहे थे पंडाल में सबको रोकने का काम किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पे नहीं होगा। तो हमारे मंत्री माननीय संजय सेठ जी ने, सीपी सिंह जी ने और हम लोग सबने एक ठान लिया और उन्होंने कहा भी है कि पूजा तो होके रहेगा, चाहे सरकार हम लोग को जेल भेज दे, चाहे गोली मार दे, चाहे जो कर ले, लेकिन पूजा तो होके ही रहेगा। क्योंकि किसी भी हिंदू सनातनी धर्म को कोई भी पूजा पाठ कमीशन नहीं रोक सकता और हर दिल में मेन उनको भय है कि राम लल्ला का स्वरूप को देख के वो भयभीत हो गए हैं, क्योंकि उनको लगता है राम लल्ला का स्वरूप देख के ये आने वाला चुनाव में इनका प्रभाव पड़ेगा। तो राम का तो एक ही जो चित्र है सभी के दिलों में बसा हुआ है, आप किस किस के दिलों से निकालिएगा? आप पंडाल रोकिएगा, दिल में बसे हुए हैं, दिमाग में बसे हुए हैं, किस किस के निकालिएगा? ये तुष्टिकरण की राजनीति हेमंत सरकार छोड़े और अपने अपने सभी धर्मों को हम लोग सम्मान देते हैं, तो उसी तरह हमारे भी हिंदू सनातन धर्म माँ दुर्गा माँ भवानी माँ राम भगवान का जो हम लोग प्ररूप बना रहे उनका सहयोग करें। और माननीय हमारे मंत्री जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज उद्घाटन करें, क्योंकि हिंदू धर्म ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, ऐसा नहीं है किसी धर्म में, ये तो सभी धर्म को मानने वाले देश है। तो आप क्यों इतना तकलीफ है? हमने तो कभी किसी धर्म को नहीं रोकते, किसी धर्म के लिए हम लोग को तकलीफ नहीं होता, तो आप क्यों भयभीत है? आपको जनता के घर दिलों में राम बसे हुए, आप नहीं निकाल सकते। आप रोकेंगे तो हम लोग इसके लिए विरोध करने के लिए पूरा रांची यहाँ जमा होगा, लाखों की संख्या में यहाँ जमा होगा। आप किस किस को
जी बिल्कुल, हमारे साथ पंडित जी हैं, पंडित जी से भी स्वामी जी ठीक है। यहाँ पर जो राम मंदिर बन रहा है उसके तहत जो है जिला प्रशासन कहीं कहीं रोक होने से आप लोगों को काफी नाराजगी देखने को, पूरा झारखंड देख रहा है, दो दिन से ये विवाद चल रहा है, ये लोकल प्रशासन की बात नहीं है, प्रशासन तो शासन के अधीन काम करते हैं, पूरे शासन जबकि प्रशासन के कुछ लोग स्वयं इशारा में बोलते कि ऊपर से आदेश है। अभी जो सरकार है यहाँ ये राम विरोधी सरकार, ये सभी लोग जानते हैं कि जहाँ श्री राम का नाम आया इनके पेट में और माथे में दर्द शुरू हो जाता है। राम मंदिर बनने में 400 बंदे लग गए, तो जब त्रेता में भी जब श्री राम को झेलना पड़ा, ये कलियुग में भी झेलना पड़ रहा है, तो त्रेता में रावण थे, रावण को भी कुछ का नाश हुआ, आज कलियुग में जो श्री राम का विरोध करेगा, यज्ञ आदि की दुर्गा पूजा का विरोध नहीं हो रहा है, बात बड़ी समझने की आवश्यकता है। ये विरोध दुर्गा पूजा का नहीं है, पंडाल का नहीं है, ये प्रारूप जो श्री राम मंदिर का बन रहा है उस पर उनको बहुत तकलीफ हो रही है, राम मंदिर को लेकर है। ये तो बड़ा अभागा है मेरे भाई को, चिट्ठी देकर निमंत्रण बुलाया गया तो उनका वहां जाना नहीं हुआ। आज कितनी लाखों जनता पूरे झारखंड जो अयोध्या धाम नहीं जा पाए, आज यहाँ के दर्शन करेंगे उस प्रारूप का, उसमें भी इनको ये रोक रहे हैं, तो ये दोहरा पाप ले रहे हैं। लेकिन और मैं बता दूं, किसी भी कीमत में कोई माँ का लाल इसे रोक नहीं सकता है, ये पूरा जन आंदोलन बन चुका है, पूरा रांची नहीं परंतु पूरा झारखंड खड़ा है। पूजा होगा, किसी भी कीमत में होगा और भी भव्य होगा, माँ शक्ति की पूजा करने जा रहे हैं, श्री राम का प्रारूप बन रहा है। आप देखिए इतनी और नई ऊर्जा मिल गई है सारे कार्यकर्ता में, और इस बारिश में सूरज आप देख रहे हैं कि बारिश में भीग भीग कर लोग सभी खड़े हैं, कहेंगे और पूरा जनमानस इसका समर्थन मिला है, सभी लोग हैं, पूजा होने जा रहा है, उत्साह के साथ मनाएंगे और उत्साह। संजय सिंह यहाँ पहुंचे, पहुंचने के बाद उन्होंने क्या कहा? हमारे माननीय सांसद है जो भी रक्षा राज्य मंत्री है केंद्र के संजय सेठ जी, उनका स्पष्ट रूप से काम है किसी से मिलने बोलने नहीं जाऊंगा, यदि उन्हें किसी को गिरफ्तार करना है तो सबसे पहले मुझे करें। भाई हमारे जनप्रतिनिधि अगर वो अपनी गिरफ्तारी के लिए तैयार है, यानी पूरा क्षेत्र पूरा झारखंड गिरफ्तार होने को तैयार है, यदि शासन प्रशासन में इतना दम है तो सभी को गिरफ्तार कर ले। मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी गिरफ्तारी के लिए खड़ा हूँ, अभी आ जाओ गिरफ्तार कर लो और उसके बाद फिर कभी आगे फैसला होगा कि देखा जाएगा कि आप पूजा रोकने की, भाई हम पूजा कर रहे हैं ना, किसी प्रकार का हम आंदोलन और कोई हम तो कुछ गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, करोड़ों लोगों की आस्था है श्री राम और माता दुर्गा के पीछे। तुम हिंदुस्तान में अगर हिंदू पूजा नहीं करेगा तो क्या हम पाकिस्तान जाएंगे पूजा करने, यरूशलम जाएंगे पूजा करने? इनकी औकात है दूसरे का किसी के त्योहार रोक के दिखा ले, तो हमारी पूजा में इनको सारे कानून समझ में आते हैं। हिंदुस्तान में पूजा करने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, और उसको रोकना है तो रोक ले, गिरफ्तार कर ले, मैं अंतिम शब्द बोल रहा हूँ, आपने ताकत से गिरफ्तार कर लो, ये पूजा होगा किसी कीमत में होगा, और बहुत किस तरीके से ये डरपोक लोग आधी रात को आते हैं जब 10 लेबर काम करते हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं। अभी सारे लोग अभी आओ, निमंत्रण दे रहा हूँ, निमंत्रण। समय काफी कम है, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से रोक लगाई गई है, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, क्या यहाँ पर निर्माण कार्य जो है वो शुरू कर दी गई है या फिर अभी जो है निर्माण कार्य उसे रोका गया है? जाने के करेंगे, अभी जो पंडाल का जो है निर्माण चालू कर दिया गया है, रोक बिल्कुल चालू है और रुकने वाला नहीं है, ये जब होगा बाद भजन होता है बाद और कितने काम होगा, उनको रोकना है, आके रोकने का कोशिश करें, काम को रोकने का किसी भी पक्ष में किसी भी कीमत में काम नहीं रुकेगा, किसी के कहने पर किसी भी माता की इच्छा है, श्री राम की इच्छा है कि यहाँ प्रारूप बने और माता का पूजा खुटी पूजन हो चुका है, हमारा अनुष्ठान का शिलान्यास हो गया, प्रारंभ हो गया, अब इसे कोई रोक नहीं सकता है, और जो कोई करेगा जी मुर्शीद बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि ये थे जो पुराना विधानसभा मैदान है वहां से जिस तरीके से प्रशासन ने रोक लगाई थी कि पंडाल का निर्माण कार्य रोका गया था, जिसके बाद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी वहां पर पहुंचे हुए थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जेल भी जाना पड़े तो जाएंगे लेकिन पूजा होकर रहेगी और पंडाल का निर्माण जरूर होगा।